ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म आदि पुरुष बॉक्स ऑफिस पर आ चुकी है। ये फिल्म रिलीज होते ही विवादों में घिरी है, फिर भी इस फिल्म ने पहले दिन बम्पर ओपनिंग की। पहले दिन ही 85 करोड़ का कलेक्शन आदि पुरुष ने किया, लेकिन फिल्म को पब्लिक का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ट्विटर पर फिल्म देखने के बाद आए लोगों ने कुछ सीन को लेकर विवाद खड़ा किया है, जिससे फिल्म पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस वजह से इसका कलेक्शन भी गिरता जा रहा है। फिल्म आदि पुरुष में एक लंबी स्टार कास्ट है और बड़े पैमाने पर फिल्म को रिलीज किया गया है। इस फिल्म का बजट लगभग 600 करोड़ रुपए है। फिल्म हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण पर आधारित है और इस फिल्म में प्रभास ने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया है, वहीं कृति सेनन ने माता सीता यानी जानकी का रोल निभाया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि फिल्म के सितारों को उनके किरदार के लिए कितनी फीस मिली है। फिल्म आदि पुरुष में एक्टर प्रभास ने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया है। प्रभास साउथ के सुपरस्टार हैं और फिल्म में उनका अहम रोल है, लीड रोल राम का ही है। खबरों के मुताबिक फिल्म आदि पुरुष के लिए प्रभास को लगभग 100 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं फिल्म आदि पुरुष में कृति सेनन ने माता सीता यानी जानकी का किरदार निभाया है। इस फिल्म के लिए कृति को 6 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं फिल्म आदि पुरुष में सनी सिंह ने श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार निभाया है। इस फिल्म के लिए लक्ष्मण को 3 करोड़ रुपए मिले हैं। सनी इससे पहले लव रंजन के निर्देशन में बनी कई फिल्में की हैं। फिल्म आदि पुरुष में देवदत्ता नागे ने हनुमान जी का किरदार निभाया है। इस मूवी में उनके रोल के लिए उन्हें 4 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं सैफ अली खान ने इसमें रावण का किरदार निभाया है, जिससे उनको 12 करोड़ रुपए की फीस मिली है। फिल्म में सैफ को लंकेश बने देखा गया है, जिससे पब्लिक का रिएक्शन सही नहीं है। वहीं आदि पुरुष में मंदोदरी का किरदार निभाने वाली सोनल चौहान ने भी मोटी रकम फीस ली है। सोनल का किरदार सिर्फ 5 मिनट का रहा है। आदि पुरुष में इस 5 मिनट के लिए सोनल ने 1.5 करोड़ रुपए की फीस ली है। वहीं अब देखना होगा कि आदि पुरुष फिल्म ऑडियंस को कितना पसंद आती है और यह अपने बजट को भी कमा पाती है कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से आदि पुरुष विवादों में घिरा हुआ है, ये लग रहा है कि ये फिल्म हिट नहीं कर पाएगी। अब देखते हैं कि कैसे इसके निर्माता इस फिल्म को विवादों से बचाते हैं। तो ऐसे ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी और भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।